आइंस्टीन का पसंदीदा खिलौना नीलाम होगा, इसे उन्होंने जिदंगी भर अपने पास रखा। अल्बर्ट आइंस्टीन का मोजेक पर गेम 6 मार्च को नीलाम होगा, 42.92 लाख रुपए में बिकने की उम्मीद। उनकी बहन मेजा एप्सटीन ने बताया कि अल्बर्ट ने बचपन में जो भी गेम खेले वे उनकी क्षमताओं के बारे में बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का पसंदीदा खिलौना मोजेक पर गेम की अगले महीने नीलामी होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि यह 42.92 लाख रुपए $60,000 में बिक सकता है। इस जर्मन खेल में 520 रंगीन मोती या छोटी बॉल होते हैं, जिन्हें पैटर्न बनाने के लिए पंचहॉल फ्रेम में रखा जाता है। विक्रेता बोनहेम न्यूयॉर्क ने बताया कि आइंस्टीन का यह दुर्लभ खेल संग्रहणीय है और युवाओं के लिए सीखने का बेहतरीन टूल है। यह आकार में 7.3 लंबा और 1.5 चौड़ा है। इसे 1870 का बताया जा रहा है। इसकी बिक्री 6 मार्च को होगी। ऑक्शन वेबसाइट के मुताबिक इस खेल को आइंस्टीन ने अपने पास जीवन भर रखा, उनके निधन के बाद ही उपहार में दिया गया। इस खेल का उनके शुरुआती विकास में अहम योगदान रहा। उनकी बहन मेजा एप्सटीन ने बताया कि अल्बर्ट ने बचपन में जो भी गेम खेले वे उनकी क्षमताओं के बारे में बताते हैं। इनमें ज्यादातर पहेलियां, पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स आदि शामिल थे। एक साल तक संग्रहालय में भी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गेम को 18 अप्रैल 1955 में उनके निधन के वक्त एक दोस्त को उपहार में दिया गया था। जून में $13,000 में उसे बेच दिया गया। इससे पहले यह गेम टोक्यो के मित्सुओ आइडा संग्रहालय में 2005 से 2006 तक एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। आइंस्टीन दुनिया के महान और सबसे ज्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान और सबसे ज्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट में से एक है। उनका जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी में हुआ। 1916 में आइंस्टीन की किताब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रकाशन हुआ। मात्र 26 साल की उम्र में आइंस्टीन ने रिलेटिविटी पर कुछ मशहूर रिसर्च पेपर्स लिखे। आइंस्टीन ने टीनेज में ही एक रिसर्चर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। फिजिक्स में अच्छे काम के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उस समय आइंस्टीन की उम्र मात्र 42 साल थी। इन्हें बचपन में गेमों का और म्यूजिक का शौक भी था, इसलिए फिजिक्स के अलावा म्यूजिक के शौक को आइंस्टीन ने जीवन भर एंजॉय किया।